भगवान के गुणों को गाने लगे। सोच रही माया तो हर जगह निवास कर चुकी है, लेकिन माया पद पता नहीं कहाँ सो रहे हैं। उठते गाते चलते फिरते खाते बैठते खेलते लड़कियों के साथ में भगवान की बातें करती रहती सारे दिन। एक दिन रुकमणी आंगन में बैठी हुई खेल खेल रही है। रुकमणी की मैया बोली, बिटिया ये बताओ क्या तुम क्या कर रही हो? मैं अपनी गुड़िया की शादी अपने गुड्डा के साथ में कर रही हूँ। यानी कि गुड़िया की शादी गुड्डा के साथ में कर रही हो? है जी हाँ। रुकमणी की मैया के दिमाग में झटका लगा रहे भगवान। इसका कारण साफ है कि हमारी लड़की भी गुड्डा की योग हो गई है। बांदी को बुलाया और समझाने लगे, बांदी संध्या गुड़िया मेरी आवाज सुन रही हो तो यहाँ आ जाओ। संध्या महारानी के पास से चली और भीष्मक के पास में पहुंची। बोली, महाराज तुम्हारी रानी ने बुलाया है। भीष्मक ने घोड़ा तैयार किया, रानी के महलों में पहुंचे। रानी ने ऊंचे से आसन पर बैठा लिया है। रानी बड़ी पतिव्रता है, पतिव्रता बहुत पतिव्रता है। और आजकल पति भरता है कोई तो पति भरता है, है? आजकल माताओं बहनों को अब तो इनको रह गया शौक अपनी कोठरी सजाने का, श्रृंगार चित्र बनाने का और फिल्मी गाना गाने का। बस अगर रोटी कर रही है तो गुनगुनाए रही है, झाड़ू लगाए रही है तो गुनगुनाए रही है, बर्तन माजन वाले अलग गीत है, कपड़ा धोन वाले अलग गीत है, और जब जुआ दिखे तो अलग गीत है। मालूम जुआ दिखे तो कौन सो गीत गए? किजिया बेकरार है और चाई बाहर है, आजा मेरे प्यारे साजन के आई तेरा।
बिल्कुल एक ही गाना गए अजमा ढूल रहे तब तक ऐसा हुआ कि जुमा मिल गो पकड़ और धल्लो ना धुन पे गुनगुना कद बड़ी देर को तुम्हारो इंतजारो पट्ट से मात दो अच्छे कपड़े पहनने से कोई लोग परीक्षित जी यज्ञपति महाराज अच्छे नहीं हो जाओगे। सोलह श्रृंगार सजाने से अपना ये चेहरा सजाने से अच्छे नहीं बन जाओगे। अगर खुद में ही कहो कि हम अच्छे हैं, हम बहुत सुंदर लगते हैं, हमारे जैसा इस संसार में कोई नहीं है, ये तो गलत है। अच्छे की बात बता, एक पंडित जी थे, पंडित जी और जिनके चार गला थे।